अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं वो कहते हैं कि डुप्लीकेट अरविंद केजरीवाल पंजाब घूमता फिरता पाया, किस तरह वेखते इस तरह के बयान? केजरीवाल कहड़ा बिल गेट्स है यार, डुप्लीकेट वो बनाने की लड़ पी है। उन्होंने गल की कहना मैनू मझा दिया धारा नहीं चाणिया आदि, मैंने स्कूल बनाने आते तो स्कूल ही पंजाब ने वधिया बनाते हैं। जे असी टैंपू वाले घर रोटी खा सकते तो रात रेडिसन ब्लू च को रेंगे आप, वो भी आप टैंपू वाले घर रही है, ये झूठ मारे नहीं गल बनती। उन्हों की ग्राउंड खुस चुकी है, उन्होंने कंसैप्ट कांग्रेस पार्टी ने ले लिया, चन्नी साहब ने काम चुक लिया, उन्होंने पल्ले कख नहीं। और मैं दावे ना कह सकता एक भी सीट केजरीवाल साहब वर्गी पंजाब चो नहीं जा सकती। 2022 दी चोणां नूं लैके लगातार ही हुण सियासी गलियारे विच हड़कंप मचदा होया नज़र आ रहा। दूसरे पासे हर एक विधायक जिहड़े ने वो अपने हलकां दे विच जो प्रोग्राम ने वह भी कर रहे हैं, इनोग्रेशनस भी कीतियां जा रही ने। अज अमृतसर दे विच नवजोत सिंह सिद्धू वालों जो है वो इनोग्रेशन की गई है, तो लगातार ही उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि बहुत वड्डे विकास कार्य जिहड़े ने वो किए जाएंगे। हरमिंदर सिंह गिल जी साहब नाल मौजूद ने, गलबात कर लेने। गिल साहब, बहुत सारे डिवेलपमेंट के काम जिहड़े ने किए जा रहे हैं, चन्नी सरकार जो काम कर रही है, कितना क तुसीं सैटिस्फाइड हो और की कहना चाहोगे? यार 100% सैटिस्फाइड है, काम कोई रह नहीं रहा। जो तो लोग सैटिस्फाइड ने तो असं भी सैटिस्फाइड हैं, काम सारे हो रहे हैं, ग्राउंड के काम हो रहे हैं, साडे विरोधियों ने गल्लां बातां करनियां ही आ, पर सानू बहुत सैटिस्फैक्शन, लोग सैटिस्फाइड ने, आम लोग सैटिस्फाइड। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहुँचते हैं वो कहते हैं कि डुप्लीकेट अरविंद केजरीवाल पंजाब घूमता फिरता पाया, किस तरह वेखते इस तरह के बयान? केजरीवाल कहड़ा बिल गेट्स है यार, डुप्लीकेट वो बनाने की लड़ पी है। उन्होंने गल की कहना मैनू मझा दिया धारा नहीं चाणिया आदि, मैंने स्कूल बनाने आते तो स्कूल ही पंजाब ने वधिया बनाते हैं, एडी कि गल है जी, मझा धार फिर आम आदमी कितों हो गया? जे असी टैंपू वाले घर रोटी खा सकते तो रात रेडिसन ब्लू च को रेंगे आप, वो भी आप टैंपू वाले घर रही है, ये झूठ मारे नहीं गल बनती। असली केजरीवाल, केजरीवाल कोई चीज़ नहीं, केजरीवाल तो साढ़े जनरल क्लास न संबंधित है, आम लोग जो बहुत परेशान हैं। लेकिन उन्होंने वालों नवजोत सिंह सिद्धू की बहुत तारीफ की गई, कहते कि चन्नी के खिलाफ अगर आवाज़ चुकते हैं बहुत वधिया काम है, आवाज़ चुकनी भी चाहिए है, किस तरह वेखते हो? और उन्होंने यह भी कहना कि 25 विधायक जोड़े ने उन्होंने संपर्क चने तो 2 मैंबर पार्लीमेंट भी संपर्क। देखो उन्होंने 20 विधायक जीते ही जिन्हों जो 10 टिकटा दी है, ये कोई जरूरी है जिन्होंने टिकट मिले वो दूसरी पार्टी नहीं जा सकता? उन्होंने अपने डर आ, सानू एक भी दसन किहड़ा जा रहा, तो उन्होंने तो आने वाले दिन कई चल जाने हैं। उन्होंने ग्राउंड खुस चुकी है, उन्होंने कंसैप्ट कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है, चन्नी साहब ने काम चुक लिया, उन्होंने पल्ले कख नहीं। और मैं दावे ना कह सकता एक भी सीट केजरीवाल साहब वर्गी पंजाब चो नहीं जा सकते। लेकिन वो कहते कि सिर्फ गल्लां कीतियां जा रही, वादे किए जा रहे हैं, कोई भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जी 1000 रुपया इतने कह के गए ने, पहले दिल्ली तो इंप्लीमेंट कर, इतने कहें लेडीज़ में देंगे, पहले दिल्ली भी तो देन, उतने भी लेडीज़ रहिंदियां ने, उन्होंने देन 1000 रुपया, उत्थे लोगों ट्यूबवैल की बत्ती फ्री करन, उत्थे लोगों ने फैसिलिटियां देन, इत्थे गल्लां करनियां सौखियां, ग्राउंड ते काम करना बहुत जरूरी है। गिल साहब, जिस तरह पठानकोट दे विच इक वार फिर तो दोबारा हैंड ग्रेनेड मामला सामने आया, तो तुसीं बॉर्डर बैल्ट ते हो, किस तरह के हालात रहिंदे ने, क्योंकि चोणां भी नज़दीक आ रही ने, किस तरह के हालात बने हुए ने? देखो ऐसियां घटनावां बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वापरदियां रहिंदियां ने, साडी जिहड़ी साडी पुलिस साडी BS सक्षम आ इहनां नूं कंट्रोल करन दे वास्ते, असीं कंट्रोल करना, शरारतियां ने शरारतां करदे ना असीं उहनूं कंट्रोल करांगे। सुखजिंदर सिंह सुखी रंधावा वल्लों भी कल मीटिंग की गई अमृतसर दे विच, तरनतारन गुरदासपुर के जिहड़े आला अधिकारी ने वो भी उन्होंने मीटिंग सी, वो कहिंदे कि असीं हुण खुद मोनीटरिंग करांगे सारा कुछ, जिहड़े भी व्यक्ति जां जिहड़े पुलिस कर्मचारी बाहर नहीं होणगे उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो देखो बॉर्डर ते रहिंदे ने, उन्हां को होम महकमा है, वो बैटर जानते हैं की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए, बड़े एक्टिव ने, ओवर एक्टिव ने, बहुत अच्छी गल है, सानू आस है कि वो चंगा कोई करके दिखाउणे। नवजोत सिंह सिद्धू केबल माफिया के खिलाफ बोलते थे, हुण शिकंजा कसा जाएगा जी केबल माफिया ते? देखो जो भी बोलते हैं साडे प्रधान ने, मैं उन्होंने कमेंट नहीं करना, बड़ी अच्छी गल है, हर वारी वारी सारे की वारी आनी है, तो कोई कोई नहीं रहना, कोई नहीं रहना। 100 रुपये केबल का जो उन्होंने कहा वा चरणजीत सिंह चन्नी होना वालों, किस तरह देखते हो कि लगता कि लोगों के पॉकेट च कुछ ना कुछ पैसे बचे? गल असल च लोगों को फायदा होना चाहिए है, लोगों को एक परिवार लुट रहा केबल के नाँ पर, कोई 300 रुपया लै रहा, कोई 500 रुपया लै रहा है, लोग बेचारों को ऑप्शन कोई नहीं है, वो कहते जो केबल लवाओगे तो ही गल बननी है, साडिया रोड साडे खंभे वरत के तो अपनी कमाई कर रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए का ये बिजनेस है, माफिया है, उन्होंने कंट्रोल करना, बड़े चिर तो लोग आवाज़ उठा रहे थे, चन्नी साहब ने इस गल का फैसला किया, शलाघा करते। बिक्रम सिंह मजीठिया वालों भी कल बड़े निशाने साधे गए चरणजीत सिंह चन्नी नूं लैके, ये निशाने साधन जोगे और कुछ करन जोगे नहीं गए। लगता है कि बिग फिशिज जिहड़ियां वो भी फड़ियां जाणगियां जी जल्दी, क्योंकि लगातार ही उन्होंने डर रहा कि साडी वारी ना, वारी तो आनी, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे तीर।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਵਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 25 ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੈਪ੍ਰੀਤ ਦਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।